नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सोशल मीडिया पर आजकल लोग किसी चीज को पसंद करने से ज्यादा उसका मजाक बनाना या फिर उसकी आलोचना करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और खासकर जब कोई सेलिब्रिटी हो तो उनका तो हर बात पर ट्रोल होना नॉर्मल सी बात है। हाल ही में कुछ ऐसा ही तो हुआ है। दरअसल पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने टेबल पर रखी कोका-कोला की दो बोतलों को हटा दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तो बवाल मचना ही था, और हुआ भी कुछ ऐसा। रोनाल्डो ने ऐसा करने से दुनिया भर में बवाल मच गया है। दरअसल रोनाल्डो ने यह कहा कि कोका-कोला पीने की जगह लोगों को पानी पीने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इसके बाद दुनिया भर के सेलिब्रिटी जंक फूड और अनहेल्दी खाने के एंडोर्समेंट के बारे में अब विचार कर सकते हैं। दरअसल यह घटना हंगरी के खिलाफ पुर्तगाल टीम के यूरो 2020 के मैच से पहले की है। स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो ने अपने सामने से कोका-कोला की दो बोतलें हटा दी, और इससे बनाने वाली कंपनी कोका-कोला को काफी बड़ी चपत भी लगी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरो 2020 के आधिकारिक प्रायोजकों में से एक कोका-कोला के शेयर की कीमत इसके तुरंत बाद $56.10 से $55.22 घट गई। कोका-कोला का बाजार वैल्यू $242 अरब से घटकर $238 अरब हो गया है, जिसमें उसे $4 अरब का झटका लगा है। बता दें कोका-कोला यूरो 2020 के आधिकारिक प्रायोजकों में से एक है। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कोका-कोला के बयान ने कहा है कि हर कोई अपने स्वाद और जरूरतों के हिसाब से अपनी ड्रिंक्स चुनने का हकदार है। खैर, अब इस पूरी घटना के बाद आशंका जताई जा रही है कि अब बॉलीवुड स्टार्स भी अनहेल्दी हैबिट और जंक फूड को प्रमोट करने से बचने की कोशिश कर सकते हैं। वास्तव में अब सेलिब्रिटी आमतौर पर जंक फूड से बचने की सलाह भी देते हैं। सोशल कमेंटेटर संतोष देसाई ने कहा कि सेलिब्रिटी अब अपनी इमेज को सुरक्षित रखने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक, जंक फूड और इस तरह के प्रोडक्ट से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। नए डिजिटल जमाने में ये जरूरी है, और सेलिब्रिटी की अपनी ब्रांड बिल्डिंग के हिसाब से भी ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।